Assalamu alaikum, my name is Param. I am Harman. I am Manju. Welcome back to our channel, guys. So guys, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ. मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है एंड फिर भी वो मुझे मैसेज कर रहे हैं. तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सोशल मीडिया की नॉलेज है, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो एंड करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत इजीली पैसा कमा लोगे. इट्स लाइक आपको वो स्किल होना चाहिए, राइट? आप में हुनर होना चाहिए वो चीज़ का. ये एक जेन्युइन चीज़ है, ये कोई फ्रॉड या स्कैम वाली चीज़ नहीं है. फ्रॉड स्कैम में कैसा होता है, आपको बोलते हैं कि भाई 21 दिन में पैसा डबल, अगले हफ्ते से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, पर ऐसा नहीं है. ये गलत बात है. आपको पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत मेहनत. ये बात बिल्कुल सच है. एंड हम मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, तब जाके हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हैं, तब जाके हमारा घर अच्छे से चल पाता है, राइट? एंड इजी वे तो भाई हमेशा रॉन्ग वे है. एंड अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वर्क लिख के मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा. एंड दैट्स इट. एंड आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा भाई अफसोसनाक वीडियो है. ये अफसोसनाक मैं ऐसे ही बोलूँगा बिकॉज लाल शाहबाज कलंदर जो आई थिंक ये कोई बाबा जी हैं, हाँ. है ना, कोई बाबा है. एंड मुस्लिम्स परफॉर्मिंग हज, भाई लाइक दिस इज इतना ज़्यादा अफसोस. मतलब मैंने जो ये हंसी टीवी की एक, मतलब ऑब्वियसली हमने सब्सक्राइब करके रखा है, तो हमने जब इनका वीडियो, मतलब ये देखा ना, मतलब मैंने ये जो उनका थंबनेल एंड उसके बाद उनका जो ये टाइटल पढ़ा, मैं बोला ये एस्ट्रे मुस्लिम्स पे तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था पहले, थोड़े दिन पहले. बोला ये तो 16 घंटे पहले आया. तो मैं देखा यार भाई उसके बाद हज लिखा हुआ. भाई मुसलमानों में, भाई इस्लाम में जो वो पाँच जो मेन चीज़ हैं उसमें से एक चीज़ हज आती है, जो हमें हज परफॉर्म करना होता है मक्का में. एंड भाई इतनी पाक चीज़ को, मतलब मेरे तो सोच के दिल हिल जाता है सच में. और ये लोग करते हैं, तो वो करते कैसे, मेरे को ये नहीं समझ आती है कि लोगों को इल्म की कमी है, दिमाग की कमी है, अकल की कमी है, किस चीज़ की कमी है. अंधकार है, ऑफकोर्स हिदायत अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ही हिदायत देते हैं. बट अगर कोई नॉन मुस्लिम ऐसी चीज़ें करे ना, तो समझ में भी आता है, चलो ठीक है यार, वो उसको पता नहीं है, उसको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसने कभी देखा नहीं है, उसको पता नहीं है, एंड हमें भी पता नहीं था कुछ भी, ठीक है. एंड बट फिर जब मैं देखता हूँ ना कि भाई मुस्लिम हो के कोई इंसान ऐसी हरकत करता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है. दुख इसलिए होता है कि वो इंसान खुद को बोलता है मुस्लिम, जिसका मतलब होता है टू सबमिट योर विल टू गॉड, ठीक है. अपनी जो इच्छा है, अपनी जो उसकी जो विश है, जो उसकी इच्छा है, जो वो चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह के चाहने पे करेगा, खुद के चाहने पे नहीं करेगा. जो अल्लाह ने बोला है वही करेगा उस, बट नहीं है वो. जो इंसान ऐसी चीज़ें करते हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे मुस्लिम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, अलग ही वर्ड होना चाहिए, बट मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं है वो लोग, पहली बात तो ये. सो लेट्स सी कि ये वीडियो कैसा होगा, क्या होगा इसमें. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. आमतौर पर मज़ारों पर नजर व नियाब चढ़ाना गुमराह मुसलमानों के लिए एक आम सी बात है, जो कि हर जगह पर देखने को मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर खैरपुर के अंदर एक गांव बबरलो में एक ऐसा मज़ार भी है जिन्हें पीर राजन कताल जहानिया का मज़ार भी कहा जाता है. और यहां पर दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें और दिल की मुरादें मांगने आते हैं, और इनके पूरा होने पर कोई चादर, ना कोई फूल और ना कोई लंगर, बल्कि एक गधे को, जी हाँ, एक जिंदा गधे को बतौर नजराना पेश करते हैं, और वो भी नर गधे को. क्योंकि बाबा जी के बारे में मशहूर है कि जब इनके मुरीदों ने अपने साथ गाड़ी पर इन्हें बिठाकर कहीं सफ़र पर ले जाने का कहा, तो उन्होंने इनकार करके कहा कि मैं अपने गधे पर जाऊंगा. और जब ये मुरीद अपनी गाड़ी पर सवार होकर इस मतलूबा जगह पर पहुंचे, तो पीर साहब वहां पर पहले से मौजूद थे. ये इनका मौजा था. इसी नस्बत से जब भी किसी शख्स की मन्नत पूरी होती है, मिसाल के तौर पर औलाद मांगने पर जब बाबा जी इनको औलाद दे देते हैं, तो ये लोग एक गधे को बतौर नजराना बाबा जी के मज़ार पर पेश करते हैं, क्योंकि इनको ये गधे बहुत पसंद थे. और ये चीज़ सालों साल से बिल्कुल ऐसे ही चली आ रही है. अच्छा है पीर साहब को V8 पर घूमने का शौक नहीं था. मेरी भतीजी को बच्चा नहीं हो रहा था,
मैंने कहा कि तुम पीर राजन साई के मजार पर मन्नत मांगो, मेरी मन्नत पूरी हो गई है। हम यहाँ चादर, लंगर और गधे को बतौर नजराना पेश करते हैं। इसके अलावा ये भी मशहूर है कि कई मर्तबा इनके मुरीद इनकी जिंदगी के अंदर जब इनसे बेटा मांगने आए तो बदले के अंदर पीर साहब ने इस गधे को छोड़कर एक और गधे की डिमांड की और एक साल का टाइम लिया कि तुम्हारी औलाद इस एक साल के अंदर हो जाएगी। यानी इन पीर साहब की खुद एक गधा खरीदने की हैसियत नहीं थी और लोगों को अल्लाह से बेटा दिलवा रहे हैं। इन लोगों को देखकर ये गधा भी सोचता होगा कि इन लोगों के अंदर और मेरे अंदर तो सिर्फ नाम का ही फर्क है, क्योंकि अकल से तो ये भी पैदल है और मैं भी। और ये नजराने वाला गधा या तो गद्दी नशीनों के पास जाता है जिसे वो आगे भेज देते हैं, या शायद लाहौर भेज देते हैं बिरयानी के लिए, या हो सकता है कि यहीं पर लंगर के लिए इस्तेमाल होता हो। इन लोगों का हुलिया देखकर कहीं से लगता है कि इन्होंने कभी जिंदगी के अंदर नमाज पढ़ी होगी, कभी कुरान खोलकर पढ़ा होगा। मैं किसी पर फतवा नहीं लगा रहा, पर आप खुद सोचें कि अगर ऐसा होता कि ये लोग हर नमाज के अंदर ये पढ़ते कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, कुरान करीम के अंदर शिर्क के मुतालिक अल्लाह की वईदें और नसीहतें पढ़ी होती तो क्या ये लोग कभी ऐसा काम करते? औलाद देना किसी बुजुर्ग या पीर का काम होता है या फिर अल्लाह का? अल्लाह पाक फरमाता है कि कौन है जो तुम्हें पहली बार पैदा करता है और क्यामत के रोज एक बार फिर से तुम्हें जिंदा करेगा? क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी है जो इस बात पर कादिर हो? तो तुम लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? जाहिर है कि इन लोगों की अकल पर पर्दा पड़ चुका है और जहालत जितनी गहरी होती जाए इसे ख़त्म करने वाला शख्स इस जाहिल को इतना ही बुरा लगता है। ये शिर्क की फैक्ट्रियां पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह पर लग चुकी हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हैं, खास तौर पर ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर तालीम और शऊर की कमी है। इसीलिए ज़्यादातर इस जहालत का शिकार सुबह सिंध के देहात में रहने वाली आवाम है जिन्हें अपने बड़ों से ऐसी जहालत विरसे के अंदर मिली है और वो इसे आगे अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी एक मिसाल लाल शहबाज कलंदर के सेवन शरीफ के अंदर मौजूद दरबार पर होने वाले शिर्क हैं। मैं नहीं कहता कि ये सब सैयद उस्मान यानी लाल शहबाज कलंदर की तालीमात थी, क्योंकि वो तो अल्लाह के नेक वली और बुजुर्ग थे जिनका मामला अल्लाह के सपुर्द, पर जो शिर्क इनके नाम पर इनके दरबार पर हो रहा है इसे सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। यहाँ पर पूरे का पूरा ऐसा हज शुरू कर दिया गया है बिल्कुल ऐसे जैसे काबा का होता है, झूले और कब्र का तवाफ होता है वो भी म्यूजिक की धुन पर। यह तवाफ शहबाज कलंदर से मंसूब एक झूले से शुरू होकर 7 चक्कर लगाने के बाद मुकम्मल होता है, जिसके बाद लोग अपनी कुर्बानी का नजराना पेश करते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हज के अंदर होता है। ये कंकर भी मार रहे हैं वो शैतान को जमरात है ना? जी असल बात ये है, एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के, इसी तरह ये मुकाम है उसी शैतान का। शैतान ने यहाँ पर आकर उन्हें मरगलाया, उन्होंने यहाँ पर उसे लानत की, इस वजह से यहाँ पर आकर पत्थर मारने से वो रस्म भी पूरी होती है और अल्लाह ताला की ज़ाते अकदस से सवाब के तरफ। क्या दिमाग है भाई लोगों के, सच में। हेलो भाई, सच में क्या दिमाग है, कसम से भाई। जी शैतान है जी, इसको लोग जो साथ साथ कैंकरी मारते हैं आगे इधर। कोई जाता है क्या यहाँ पे जो आप देख रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ मतलब सच में यार। सात चक्कर लाने पौने, जेड़ी दिल दी मुराद होनी इथे पूरी थींदी है, इथे 7 चक्कर काट के इथे बह के दुआ मांगे बैड़ा ही पार। पता है आपको इस्लाम क्यों बदनाम हुआ पड़ा है? पता है इसी वजह से, ये चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर वो गुमराही फैलती है, गलत काम करते हैं, इस वजह से इस्लाम बदला हुआ। हमें रोकना चाहिए इस चीज़ को। यहाँ पर हर साल लगने वाले मेले के अंदर लोग गटर के जैसे गंदे और काले पानी के अंदर नहाकर और इसे पीकर इसे सुन्नत कहते हैं। तो सुन्नत की वजह तो ना कलंदर पाक जाएगा, और समझते हैं कि इस पानी से इन्हें शिफा मिलेगी। इस गंदे पानी को जिससे दूर दूर तक बदबू आ रही होती है लोग बोतलों के अंदर भरकर बिल्कुल जमजम की तरह शिफा के तौर पर साथ भी लेकर जाते हैं ताकि बाद में भी इससे बरकत हासिल करते रहें। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिंक बोतल नहीं बल्कि ये पानी की बोतल है। आप पानी का कलर देख रहे हैं, बिल्कुल काले रंग का पानी है, देखे ना। शिफा वाला पानी सिर्फ जमजम ही होता है। इस पानी का रंग भी
काला है, ये देखें इस पानी में कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। सारा कुछ है, सरकार नंदे से साडा किदा है कि ते शफा है। आपको किसने कहा है ये बात के सरकार ने इधर गुसल किया था? सारे दुनिया कहती थी ऐसी केड़ा उदो वजूद था। ये कौन सा दिन है? क्या अल्लाह के रसूल ने हमें ये दिन सिखाया था? देखें बिल्कुल इन लोगों की जहालत का कसूर तो है ही, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का भी है कि आलिम दीन जो कि हर साल रमज़ान ट्रांसमिशन करने के लिए टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को हिदायत पर लाने के लिए कोई आलिम दीन इनको तबलीग क्यों नहीं करता? सच में यार, हमारे अपने लोगों को शिर्क से भला कौन निकालेगा? चलो गोरों को तो हम बाद में देख लेंगे, जिसकी काफ़ी कोशिश इस एंकर ने भी की है। देखे ना, शफा का पानी एक जमजम का होता है, ये तो पानी बिल्कुल गंदा पानी दिखाई दे रहा है और बदबू भी आ रही है पानी से। आप यहाँ नहाते हैं और कहते हैं कि हमें शिफा मिले, यहाँ पर आते हैं। ये जो आप जगह देखेंगे, जगह ये एक साबुन की मांद है। यहाँ से सारस से कुछ लोग मट्टी निकालते हैं, वो मट्टी सर को लगाते हैं, वो बालों को। इस मट्टी लगाने समय किसी किस्म की खारिश बीमारियाँ कम हो जाते हैं। देख रहे हैं आप नहा रहे हैं, कुछ तीन लड़के नहा। यहाँ पर मर्द और औरत नहाने के बाद मट्टी पर बैठकर मोती ढूंढते हैं, जिनके बारे में इनका अकीदा है कि इसे खाने से शिफा और औलाद मिलती है। क्योंकि लाल शहबाज कलंदर ने जब इस गंदे पानी के अंदर गुसल किया था तो इनके बालों से यहाँ पर पानी के मोती बने थे जो इसी मट्टी पर आस पास मौजूद होते हैं। मेरा इधर से सर दुख रहा है। ये करामते ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मौजे की सूरत में मिली और ना ही सहाबा कराम को उनकी पूरी जिंदगी में, यानी इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौजजात में पीछे छोड़ दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें कि अल्लाह चाहे तो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है सिवाय शिर्क के। जो लोग अभी भी इसे गलत नहीं समझते, इसका दिफा करते हैं, तो वो एक बार मौत का इनकार कर दें कि उन लोगों ने मर कर अल्लाह के हजूर पेश नहीं होना। और अगर अल्लाह ने क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल कर लिया तो इसका क्या जवाब देंगे कि हमारे बुजुर्ग हमें ये सिखा कर गए थे या हमारे माँ बाप? मक्का के मुशरिक लोग भी तो यही कहा करते थे कि हमारे माँ बाप सदियों से ये करते आ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे छोड़ दें? ये तो हमारे बड़ों की तोहीन है। लेकिन अल्लाह की ज़ात इन सब चीज़ों से बेपरवाह है, और इसीलिए कुरान करीम के अंदर वो अपने बंदों को बार बार शिर्क से खबरदार करते हुए फरमाता है कि लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा है बेजान, उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो, किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज ना करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। भाई ये वीडियो तो ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने ना आज से सोच लिया है ये चीज, मेरे से जितना होगा ना भाई, जितना होगा भाई, जितना भी होगा उतना ये शिर्क के ऊपर वीडियोस मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए भाई। ये बहुत ज़रूरी है लोगों का दिमाग खोलना भाई, कैसे क्या मतलब, क्या वो समझते हैं, क्या पढ़ते हैं एंड क्या उनको सिखाया गया है, एंड भाई खुद को मुस्लिम कहते हैं भाई, मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं। एंड सच बात ये है कि मुस्लिम्स को बदनाम किया जाता है ऐसे लोगों की वजह से, जो एक अच्छे मुस्लिम होते हैं, जो एक अल्लाह के बंदे होते हैं, उनको बदनाम किया जाता है ऐसी चीज़ों की वजह से। ऐसी चीज़ों की वजह से सही मुस्लिम बदनाम होते हैं, क्योंकि ऐसे बंदे जो ऐसा काम करते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, गुमराह होकर गलत काम करते हैं, और गलत काम जब करते हैं तो जो अच्छे मुस्लिम्स हैं, जो सही मुस्लिम हैं, जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं, उनका कितना बुरा होता है सोचो। उनके बारे में भी लोग गलत सोचते हैं, तो ये कितना गलत बात है। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से कि आप सब लोग अगर कभी भी कोई चीज़ देखो ना ऐसी, तो इस चीज़ में डरो मत कि उनको हमें नहीं बोलना है, वो कुछ कहेंगे या वो कुछ भी। एक बोलने का तरीका भी होता है राइट, किसी को समझाने का, किसी को समझाना है ना तो प्यार से ही समझाना चाहिए। किसी को ज़्यादा लाइक उसको अगर हम गालियाँ देखें या फिर गलत तरीके से उसको समझाएंगे ना, कभी ज़िंदगी में वो इंसान समझेगा नहीं, कभी नहीं समझेगा। उसको प्यार से
सही तरीके से समझाएंगे ना तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर समझ जाएगा। बट हिदायत देने वाला अल्लाह है, अगर अल्लाह ने सोच लिया ना उसको हिदायत नहीं मिलनी उस इंसान को, तो ज़िंदगी भर उसको हिदायत नहीं मिलेगी चाहे वो कुछ कर ले। बट हमारा काम है हिदायत पहुँचाना, तो ये ज़रूर करें एंड हमेशा करें, ऐसे लोगों को ठीक करें एंड ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाएं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड बाबों से उनको दूर करें, है ना, एंड ऐसे बाबों के पास जाएं वो जो अच्छी चीज़ सिखाते हैं, जो कुरान का मतलब सही सिखाते हैं, जो अपनी जेब नहीं भरते, जो आखिरत को सेट करते हैं बंदों की भी खुद की भी, जो सही चीज़ है। ऐसे वाले जो इंसान होते हैं ना उनको फाइंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर ये काम ज़रूर करिएगा सारे मिलके, बहुत ज़रूरी है। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, और अगर आप करोगे ना मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना कि करेंगे ज़रूर हम, है ना जी। सो गाइस थैंक यू सो मच।